कहानी की शुरुआत में ही हम रानी नाम की एक औरत को देखते हैं, जो कि अपने घर से बाहर निकलते ही मार्केट जाती है और घर वापस लौटते वक्त वह अपने मोहल्ले के कुछ कुत्तों को मांस के कुछ टुकड़े खिलाती है। लेकिन अचानक ही इसके बाद रानी के घर से अचानक से एक धमाके की आवाज होती है और रानी घर के पास पहुँच कर देखती है कि उसके घर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है और पूरे घर में आग फैल चुकी है। इसके बाद देखा जाता है कि वहाँ पर पुलिस आती है और रानी कहती है कि उसका हस्बैंड ऋषभ उर्फ ऋषु घर के अंदर ही था और फिर वहाँ पर एक बॉडी मिलती है, लेकिन उस बॉडी को देखकर पहचाना नहीं जा रहा था। फिर उन्हें एक हाथ मिलता है जिसमें रानी के नाम का टैटू था और रानी इस हाथ को देखकर कहती है कि ये ऋषु का हाथ है। और इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ऋषु की फैमिली रानी को देखने के लिए उसके घर में आते हैं और दोनों फैमिली के बीच बातचीत होती है, जहाँ पर ऋषु पहली नजर में देखकर ही रानी को पसंद कर लेता है। फिर दूसरी तरफ हमें रानी के बातों से पता चलता है कि दरअसल उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसके ब्रेकअप हो जाते हैं और इसीलिए अब वो अपने पेरेंट्स के पसंद किए हुए लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो गई है। इसके बाद देखा जाता है उन दोनों की शादी तय होती है और ऋषु रानी के साथ अपने नए जिंदगी के सपने भी देखने लगते हैं। फिर उन दोनों की शादी होती है और रानी ऋषु और उसकी फैमिली के साथ उसके घर ज्वालापुर आते हैं। रानी दिल्ली में रहने वाली लड़की थी और ज्वालापुर आने के बाद उसे बहुत ही बोरिंग लगती थी। दूसरी तरफ रानी और ऋषु के माँ के बीच भी नहीं बन रही थी, जिसकी वजह से उनके घर में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होती रहती थी। तो दूसरी तरफ रानी और ऋषु भी अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। और इसके बाद एक दिन रानी ऋषु को लेकर अपनी माँ और मौसी के पास फोन में कंप्लेन करती है और जो बात ऋषु सुन लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है। इसके बाद ऋषु रानी से बातचीत करना बंद कर देता है और उन लोगों का रिश्ता और भी ज्यादा खराब होने लगता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऋषु का एक कजन नील त्रिपाठी उसके घर में घूमने के लिए आता है और धीरे धीरे रानी नील के ऊपर अट्रैक्टेड होने लगती है। इसके बाद धीरे धीरे उन दोनों के बीच अफेयर शुरू होता है और रानी नील से प्यार करने लगती है। यहाँ तक कि नील के लिए वो खाना बनाना सीखती है और एक वेजिटेरियन होने के बावजूद भी वो नील के लिए मटन बनाती है। जो भी हो, इसके बाद रानी नील से बात करती है और वो कहती है कि वो दोनों ऋषु को उन लोगों के बारे में बता देंगे और फिर नील और रानी यहाँ से चले जाएंगे और वो दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन नील रानी को इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता। फिर रानी देखती है कि नील उसे बिना कुछ बताए ही इस घर से चला गया है और रानी को समझ में आता है कि नील उसके साथ अपने रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना चाहता था और इस बात से रानी का दिल टूट जाता है। और इसके बाद जब ऋषु रात को घर लौटता है तो रानी ऋषु को उसके और नील के अफेयर के बारे में सब कुछ बता देती है, जो सुनकर ऋषु को बहुत बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है। लेकिन फिलहाल के लिए वो अपने गुस्से को अपने अंदर ही दबा देता है। और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि ऋषु नील के घर में जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन उल्टा नील ही ऋषु को बहुत मारता है और ऋषु जख्मी हालत में घर पहुंचता है। और इसके बाद ऋषु रानी को कहता है कि वो उसके घर से और उसके जिंदगी से चली जाए। और इसके बाद रानी ऋषु के घर से जाने वाली थी, लेकिन ऋषु के मोहल्ले के कुछ लड़के रानी और नील को लेकर रानी के सामने बहुत उल्टे सीधे बातें करते हैं। लेकिन ऋषु फिर रानी को बचाने के लिए सामने आता है और इसकी वजह से उसे काफी इंसल्ट झेलनी पड़ती है, जो देख कर रानी को बहुत गिल्ट फील होता है और वो तय करती है कि वो ऋषु को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी के ऊपर ऋषु का जो गुस्सा था वो धीरे धीरे नफरत में बदलने लगती है और वो रानी को चोट पहुंचाता है, जिससे कि उसे खुशी मिलती है। रानी भी सब कुछ समझती है, लेकिन वो सोचती है कि ऋषु फिलहाल उसके ऊपर गुस्सा है और अगर एक बार उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और रानी धीरे धीरे ऋषु से प्यार करने लगती है, इसीलिए वो उसके सारे टॉर्चर्स चुपचाप सहती है। इसके बाद एक दिन ऋषु अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था, तब रानी ऋषु को खाना खाने के लिए बुलाने आती है और ऋषु अपने फ्रेंड के सामने ही रानी को इनडायरेक्टली बुरा भला कहता है। इसके बाद रानी ऋषु से बात करती है और वो उसे माफ कर देने के लिए कहती है और ऋषु भी अपनी दिल की सारी बातें रानी को कहता है और फिर वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को समझते हैं और ऋषु रानी को माफ कर देता है और धीरे धीरे उन दोनों का रिश्ता सुधरने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी के साथ उसकी सास के भी रिश्ता धीरे धीरे ठीक हो रहा था और फिर रानी और ऋषु अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं।
इसके बाद वो दोनों एक दिन घूमने के लिए गए थे और रास्ते में ही नील के साथ उन लोगों की मुलाकात होती और रानी नील को देखकर अपना गुस्सा नहीं संभाल पाती और वो जाकर उसके बाइक का एक शीशा तोड़ देती है। इसके बाद एक दिन निशु के पेरेंट्स घर से कुछ दिनों के लिए चले गए थे और निशु भी ऑफिस के लिए चला गया था। इसके बाद नील रानी से मिलने के लिए आता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, लेकिन फिर निशु जल्दी घर वापस आ जाता है और वो नील को देखकर बहुत गुस्सा होता है और इसके बाद निशु नील के साथ सारी बातें शांति से सुलझाना चाह रहा था और वो रानी को कुछ देर के लिए घर से बाहर जाने के लिए कहती है। रानी नहीं जाना चाहती, लेकिन फिर निशु के कहने पर वो मार्केट चली जाती है और जब वापस लौटती है तो वो देखती है कि घर में आग लग चुकी है और निशु की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ये सारी बातें रानी पुलिस को कहती है, लेकिन इस केस के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उन्हें रानी के बातों पर यकीन नहीं होता और उन्हें लगता है कि रानी और नील दोनों ने मिलकर ही निशु को मारा है और वो इसी बात को साबित करने पर तुले हुए थे। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निशु के मोहल्ले वालों से भी पूछताछ की जाती है तो कुछ लोग रानी के फेवर में बात करते हैं और निशु का बेस्ट फ्रेंड कहता है कि रानी के वजह से ही उसके फ्रेंड की जान गई है। इसके बाद पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है जहां पर वो लोग देखते हैं कि जिस दिन ये हादसा हुआ था उसके कुछ देर बाद ही नील निशु के घर से कुछ दूर एक नदी में छलांग लगाता है और वो वहां से भाग रहा था, लेकिन ये फुटेज इतना क्लियर नहीं था और ये फुटेज देखकर पुलिस का शक और भी ज्यादा गहरा होता है कि रानी और नील ने मिलकर ही निशु को मारा है। इसके बाद वो लोग रानी को टॉर्चर करते हैं उसके मुंह से सच निकलवाने के लिए, लेकिन रानी अपने बातों पर ही अड़ी रहती है। इसके बाद एक दिन रानी की पॉलीग्राफ टेस्ट होती है, लेकिन टेस्ट होने से पहले रानी अपने पैरों में एक कील घुसा देती है जिससे कि उसका ब्लड प्रेशर मैनिपुलेट हो सके और उसके पॉलीग्राफ टेस्ट के रिजल्ट्स ठीक ना आए। लेकिन इसके बाद पुलिस रानी की चोरी पकड़ लेते हैं और इसके बाद वो लोग फिर से उसकी पॉलीग्राफ टेस्ट करते हैं और फिर से पॉलीग्राफ टेस्ट के रिजल्ट्स रानी के फेवर में ही होती है और इसके बाद देखा जाता है कि इस केस को सॉल्व ही नहीं किया जा रहा था और पुलिस को रानी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ही नहीं मिल रहा था और ऊपर से भी उन लोगों पर प्रेशर आ रहा था कि इस केस को लेकर बहुत दिन हो चुके हैं और अगर केस आगे नहीं बढ़ रहा है तो इस केस को ही परिक्लोज कर दिया जाए और इसके बाद मजबूर होकर पुलिस इंस्पेक्टर इस केस को क्लोज कर देते हैं और रानी के खिलाफ कोई सबूत ना मिलने की वजह से रानी भी अब आजाद हो जाती है। लेकिन उस पुलिस इंस्पेक्टर का रानी के ऊपर शक अभी भी था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे और इसके बाद हम देखते हैं कि 5 साल बीत चुके हैं और अब उस पुलिस इंस्पेक्टर का किसी और जगह पर ट्रांसफर हो गया है और वो अपने फैमिली के साथ ज्वालापुर छोड़कर चले जाते हैं और वो लोग जब रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं तो वो एक स्टोर में कुछ किताबें देखती है और इनमें से दिनेश पंडित नाम के उसी राइटर का भी एक किताब था जिनके बारे में रानी ने बहुत बार कहा था और रानी दिनेश पंडित की बहुत बड़ी फैन थी और इसके बाद वो उस किताब को खरीदते हैं और ट्रेन में उस किताब को पढ़ते हैं और इस किताब को पढ़ते हुए उन्हें समझ में आता है कि असल में रानी ने उस इंसिडेंट को लेकर जो कहानी उन लोगों को सुनाई थी वो दरअसल इसी किताब से ली गई थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि जिस दिन नील रानी से मिलने के लिए आया था और नील रानी को कहता है कि निशु उसके मोहल्ले में जाकर नील के खिलाफ सबको भड़का रहे थे और नील के नाम को उछाल रहे थे। दरअसल इतने दिनों बाद उस दिन रास्ते में नील को देखकर निशु का नफरत फिर से वापस आ गया था और वो नील से बदला लेना चाहता था और इसीलिए अब नील यहाँ पर आया है और वो रानी और निशु को रानी की कुछ पर्सनल फोटोज दिखाता है और वो कहता है कि वो ये फोटोज वायरल कर देगा और इसके बाद ही निशु नील पर अटैक कर देता है और उन दोनों में हाथापाई होती है। लेकिन इसके बाद नील निशु पर भारी पड़ने लगता है और वो उसे जान से ही मारने वाला था, लेकिन तभी रानी उनके फ्रीजर में रखे हुए एक मटन के लेग को लेकर नील के सर पर जोर से मारती है जिससे कि नील बेहोश हो जाता है और निशु बच जाता है। लेकिन फिर वो लोग रियलाइज करते हैं कि नील की मौत हो गई है और ये बात देखकर वो दोनों ही काफी डर जाते हैं और निशु किसी भी हालत में रानी को जेल जाते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए वो दोनों एक प्लान बनाते हैं और वो रानी को कहता है कि दिनेश पंडित की ये किताब उन दोनों ने ही पढ़ी थी और इस किताब में जो कुछ भी हुआ था
था वो लोग वैसा ही करेंगे। और इसके बाद देखा जाता है कि वो लोग नील की बॉडी को किचन में लेकर जाते हैं और नील के कपड़ों के साथ रिशु के कपड़े बदल देते हैं और नील का हाथ काट कर वो लोग पहले ही उसे जला देते हैं और फिर वो रिशु का हाथ काटते हैं और उसे आधा जलाते हैं। और फिर रानी घर से बाहर आ जाती है जिससे कि वो इसे एलिबाई की तरह इस्तेमाल कर सके। और फिर कुछ देर बाद जब रानी घर के बाहर आती है और वो उसे मटन के लेग को बाजार से कटवा कर लाई थी और वापस आकर वो मोहल्ले के कुत्तों को उसे मटन के लेग के पीसेस को खिला देती है। और इसके बाद ही रिशु घर के अंदर गैस सिलेंडर ब्लास्ट करता है और घर के पीछे के रास्ते से भाग जाता है। और इसके बाद रानी और रिशु के प्लान के मुताबिक रानी सब कुछ करती है। और इसके बाद उन लोगों ने जैसा सोचा था वैसा ही होता है और कोई सबूत ना मिलने की वजह से पुलिस को ये केस क्लोज करना पड़ता है। और अब 5 साल बीत चुके थे और पुलिस इंस्पेक्टर को सारा सच पता चल चुका था कि दरअसल उस दिन रिशु की मौत नहीं हुई थी बल्कि नील की मौत हुई थी और रिशु और रानी ने मिलकर ही नील के मौत को एक एक्सीडेंट का रूप दिया था। और अपने प्यार को बचाने के लिए रिशु ने अपने हाथ तक काट दिया और रिशु और रानी का इतना प्यार देखकर वो पुलिस इंस्पेक्टर भी हैरान हो जाते हैं। और आखिर में हम देखते हैं कि रानी एक रेलवे स्टेशन में पहुंचती है और कुछ देर चलने के बाद एक आदमी आकर रानी का हाथ पकड़ता है और वो कोई और नहीं बल्कि रिशु होता है। और वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और फाइनली वो दोनों एक हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि रिशु का बायां हाथ नहीं है। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।